स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पे। दोस्तों मैं हितेश गुप्ता इस SEO की 2021 की सीरीज में आपके लिए ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन से फैक्टर्स हैं जो 2021 में आपके SEO की आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को बूस्ट कर सकते हैं, ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेकर आ सकते हैं। और वैसे तो दोस्तों छोटे बड़े कुल मिला के 200 से भी ऊपर फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करते हैं आपके SEO की रैंकिंग को, मगर क्योंकि हर कोई वो सारे फैक्टर्स को कवर नहीं कर सकता, तो इसके लिए हम आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर फैक्टर्स लेकर आए हैं जो हम आपको बताएंगे, जो वर्क करेंगे 2021 में, और आप उसके थ्रू अपने SEO के अंदर क्वालिटी काम कर सकते हो, रैंकिंग बढ़ा सकते हो और ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेकर आ सकते हो। दोस्तों ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये हमने अपने एक्सपीरियंस रिसर्च के बाद ये फैक्टर्स आपके लिए समराइज़ करे हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स आपके लिए लेकर आए हैं। तो जनरली तीन क्राइटेरिया के अंदर हम यहाँ पर फैक्टर्स को डिवाइड करेंगे। दोस्तों एक है ऑन पेज फैक्टर्स, तो कौन से वो इम्पॉर्टेंट ऑन पेज फैक्टर्स हैं वो हम आपको बताएंगे। एक है दोस्तों ऑन पेज वेबसाइट फैक्टर्स, जिसको हम टेक्निकल SEO भी कहते हैं, जो वेबसाइट से रिलेटेड टेक्निकल चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। और तीसरा दोस्तों ऑफ पेज फैक्टर्स। तो इन तीन अलग अलग फैक्टर्स के अंदर हम डिटेल में बात करेंगे और उसके अंदर क्या आपको करना है जिससे कि आपकी रैंकिंग बिल्कुल बूस्ट होगी, टॉप पे आप अपने कीवर्ड्स को लेकर आ पाओगे और ट्रैफिक लेकर बिजनेस को अपना ग्रो कर पाओगे। तो दोस्तों चलते हैं और जानते हैं इनके बारे में। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए या कंसल्टेंसी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो, हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पे जा सकते हो, या दिल्ली में अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग लेनी है, ट्रेनिंग लेनी है मेरे से, तो आप संपर्क कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे ऑन पेज वेबसाइट फैक्टर्स के बारे में, मतलब वेबसाइट के ऊपर आपको ऐसे कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है जिसकी वजह से आपकी SEO की रैंकिंग में आपको बेनिफिट मिलेगा। तो अब उन फैक्टर्स के बारे में हम जानते हैं। दोस्तों पहला है ट्रस्ट ऑफ योर वेबसाइट एंड डोमेन। इसका मतलब आपकी अगर वेबसाइट है, लाइक हमारी वेबसाइट है www.marketingfundas.com, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप वेबसाइट बनाएं तो वो HTTPS सिक्योर वेबसाइट होनी चाहिए, ठीक है। ये आज की डेट में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और इसके साथ साथ जो डोमेन आप बुक करते हैं, लाइक हमने बुक करा marketingfundas.com, तो उस डोमेन को ज़रूर देख लें कहीं पहले, आपके बुक करने से पहले क्या इस डोमेन को किसी ने यूज़ करा है, या कहीं ब्लैकलिस्ट तो नहीं है, तो या और कोई प्रॉब्लम उस डोमेन के संग तो नहीं है, उसको भी ज़रूर आप देख लें, जो कि लोग नज़रअंदाज कर देते हैं अगर आप स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं तो। सेकंड दोस्तों इसके अंदर फैक्टर निकल के आता है, वो है वेबसाइट की रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब मोबाइल पे वो किस तरीके से ओपन हो रही है, टैबलेट पे कैसे ओपन हो रही है, और वो उसके साथ साथ डेस्कटॉप पे कैसे ओपन हो रही है, प्लस जो ब्राउज़र्स कंपेटिबिलिटी होती है कि अलग अलग ब्राउज़र्स होते हैं, लाइक क्रोम हो गया, सफारी, मोज़िला, तो किसी पे वो एरर तो नहीं दे रही है, किसी के ऊपर सही खुल रही है, किसी पे सही नहीं खुल रही, तो इसलिए जो वेबसाइट है वो आपकी प्रॉपर रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, मोबाइल पे, डेस्कटॉप पे, टैबलेट पे, और वो ब्राउज़र कंपेटिबल होनी चाहिए ताकि यूज़र एक्सपीरियंस आपका बेस्ट हो। थर्ड दोस्तों फैक्टर है वेबसाइट की स्पीड। अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड 5 सेकंड से कम है, ठीक है, वो 5 सेकंड के अंदर अंदर लोड हो जाती है, जो आइडल है वो तो 2 से 3 सेकंड है, मगर फिर भी 5 सेकंड के अंदर अंदर अगर आपकी वेबसाइट स्पीड है वो लोड हो जाती है, तो वो बहुत अच्छा फैक्टर माना जाता है। और वेबसाइट स्पीड इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जब हम SEO की बात करते हैं। फोर्थ दोस्तों जो फैक्टर है वो है पेज एक्सपीरियंस, कि जब कोई भी यूज़र आपके पेज पे आता है, ठीक है, तो उसको वहाँ पर क्या एक्सपीरियंस होता है, वो कंफ्यूज तो नहीं हो रहा, उसको इजीली वो डाटा मिल रहा है, नेविगेशन में तो कंफ्यूज नहीं हो रहा, तो इस चीज़ आपका पेज एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। पांचवा जो दोस्तों पॉइंट है इसके अंदर वो है स्ट्रक्चर्ड
डाटा आपका होना चाहिए, ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वेबसाइट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द गूगल या दूसरे जो सर्च इंजन्स हैं उनके एल्गोरिथम्स या उनके जो प्रोटोकॉल हैं उसके हिसाब से। और दोस्तों सिक्स पॉइंट है इसके अंदर, वेबसाइट में प्रॉपर आपका एक साइट मैप होना चाहिए, बिकॉज वेबसाइट का अगर साइट मैप है तो उसको क्रॉल करने में ज़्यादा ईजी होता है। सेवन्थ पॉइंट है दोस्तों कि गूगल सर्च कंसोल जिसको गूगल वेब मास्टर भी कहते हैं उसमें आपकी वेबसाइट लिंक होनी चाहिए, उसमें आप क्योंकि गूगल सर्च कंसोल ही एक ऐसा मात्र प्लेटफॉर्म है जो कि सर्च SEO जो आप कर रहे हो, सर्च इन ऑप्टिमाइजेशन जो आप कर रहे हो उससे रिलेटेड आपको डाटा और सारे के सारे इंफॉर्मेशंस उसके अंदर आपका क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ आपकी गलत है, क्या उसमें मिस्टेक्स हो रही हैं या क्या पेनल्टी आ रही हैं या कहाँ आप रैंक कर रहे हो, इस तरीके की बहुत सारी इंफॉर्मेशन और अपडेट्स आप गूगल सर्च कंसोल से ले सकते हो, और ये टूल मस्ट है अगर आप SEO कर रहे हैं। तो दोस्तों अब हमारा जो सेकंड फैक्टर है वो है ऑन पेज SEO फैक्टर्स। तो ऑन पेज SEO फैक्टर्स के अंदर हम आपको कई इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में बताएंगे, जिसमें से पहला फैक्टर है कीवर्ड्स। दोस्तों जब कभी भी आप SEO की शुरुआत करते हैं तो लोग सबसे ज़्यादा जो गलती करते हैं वो करते हैं कीवर्ड्स के सिलेक्शन में, या वो सही कीवर्ड चूज़ नहीं कर पाते हैं और आगे चल के उनको या तो उनको रैंकिंग करने में दिक्कत होती है या उन कीवर्ड्स की वजह से उनको कोई बेनिफिट नहीं होता। तो ये कीवर्ड रिसर्च और इन डेप्थ कीवर्ड रिसर्च सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर में से एक है, बिकॉज उसी के ऊपर बेस होगा आपके आगे का SEO की रैंकिंग की बहुत सारी चीज़ें। और दोस्तों सेकेंड पॉइंट है इसके अंदर वो है कीवर्ड्स जो आपने सेलेक्ट करे उन कीवर्ड्स को आप सही तरीके से पेज के टाइटल्स में डालना, मेटा टैग्स में यूज़ करना, डिस्क्रिप्शन में, कंटेंट में, और कीवर्ड की स्टफिंग ना करना। तो दोस्तों होता क्या है कि फॉर एन एग्जांपल मैं अगर मेरा एक पेज है लाइक वेबसाइट डिज़ाइनिंग सर्विसेज का, तो उसके अंदर अगर मैं जो कीवर्ड्स यूज़ करूँगा उस पेज में, जो मैंने कीवर्ड चूज़ करें लाइक फॉर एग्जांपल वेबसाइट डिज़ाइनिंग कंपनी गुड़गांव, वेबसाइट डिज़ाइनिंग कंपनी दिल्ली, तो वो कीवर्ड्स टाइटल में भी उस पेज के होने चाहिए, वो उसके मेटा टैग्स, उसके कंटेंट, उसकी डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड की ज़्यादा स्टफिंग नहीं होनी चाहिए, 2-3% ही कीवर्ड डेंसिटी होनी चाहिए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सेकंड। थर्ड फैक्टर जो है दोस्तों वो है कंटेंट। तो जब आप SEO करते हैं तो उसके लिए जो आपकी वेबसाइट में कंटेंट होता है वो फ्रेश कंटेंट होना चाहिए, एवरग्रीन कंटेंट होना चाहिए, ताकि आपके यूज़र्स को उसके अंदर इंफॉर्मेशन मिले या उन वो एंगेजिंग कंटेंट हो या उनके लिए यूज़फुल कंटेंट हो। और दोस्तों रेलिवेंट होना चाहिए, जो कीवर्ड्स आप टारगेट कर रहे हो, जिन कीवर्ड्स पे SEO कर रहे हो वो उससे रेलिवेंट कंटेंट होना चाहिए। ध्यान रखिएगा डुप्लीकेट कंटेंट या कंटेंट को स्पिन करना, ठीक है, रोबोट्स के थ्रू, ये सब चीज़ें आप ना करें बिल्कुल भी, बिकॉज वो आपको हार्म कर सकती हैं रैंकिंग के अंदर। और दोस्तों कंटेंट जितना आप इन डेप्थ लिखवाओगे, मतलब कंटेंट पहले होता था कि लोग पेज में कम कंटेंट होता था, काम चल जाता था, बट कम से कम आपके पेज में अगर 800, 1000, 1200 मिनिमम, बाकी तो इन डेप्थ आप चाहे 1500 वर्ड, 2000, 2500 कितना भी आप लिखवाएं, बट क्वालिटी कंटेंट लिखवाएं, इन डेप्थ कंटेंट लिखवाएं। तो ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में। फोर्थ जो दोस्तों फैक्टर है वो है कैनोनिकल एरर। अब कई बार ये इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एन एग्जांपल लोगों की आदत होती है जब वो सर्च करते हैं, कई बार वो वेबसाइट लाइक सर्च कर रहे हैं marketingfundas.com, तो डायरेक्ट ब्राउज़र में डाल देते हैं marketingfundas.com, या कभी वो www. करके वो ब्राउज़र में सर्च करते हैं, या कभी वो https करके करते हैं। तो क्या होता है, कई बार कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं, अगर आप उनको www.marketingfundas.com करके सर्च करोगे तो वैसे ओपन होंगी, अगर आप आगे www. नहीं लगाओगे तो नॉर्मल marketingfundas.com डाल दोगे तो वो www. पे रिडायरेक्ट नहीं होंगी। तो क्या हमारे लिए वो चीज़ नॉर्मल हो सकती है एज अ यूज़र, एज अ विजिटर, बट गूगल के लिए ये थोड़ा टिपिकल है, वो इन दो डोमेन्स को एक अलग डोमेन समझ लेता है जिसको कैनोनिकल एरर माना जाता है।
तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है SEO के अंदर। इस बात का बहुत आपको ध्यान रखना है, किसी भी पेज URL का आपका कैनोनिकल इशू एरर नहीं होना चाहिए। फिफ्थ फैक्टर है दोस्तों, इमेज ऑप्टिमाइजेशन। जैसे कि जब हम कोई भी यूज़र गूगल पे सर्च करता है, तो वहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर टॉप में आता है वेब सर्च, मतलब ऑल सर्च है, वीडियो सर्च, न्यूज़ सर्च, इमेज सर्च और बहुत कुछ। तो अब गूगल अपने आप को अपडेट करता जा रहा है, तो अब SEO इमेज का भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो गया है जितना कंटेंट का, पेजेस का, इन सब का SEO है। बिकॉज़ गूगल वैसे इमेज को तो रीड करता नहीं है दोस्तों। तो इमेज SEO करने के दौरान आपको ध्यान रखना है, जो भी आप अपनी वेबसाइट में, ब्लॉग्स में इमेजेस डाल रहे हैं, उनका आपको प्रॉपर ऑल टैग या इमेज का टाइटल डिस्क्रिप्शन देना ज़रूरी है। तो उसमें भी आप रेलिवेंट टाइटल या कीवर्ड का यूज़ करें, उसके अंदर ज़्यादा कीवर्ड स्टफिंग ना करें, बिकॉज़ वो इमेज भी आपकी रैंक करेंगी गूगल में। तो जैसे कि अगर आप गूगल पे मान लीजिए सर्च करते हैं मार्केटिंग फंडास, तो मार्केटिंग फंडास का जब आप इमेज पे क्लिक करोगे, तो वहाँ पर इमेजेस के सेक्शन में अगर हमने सही टाइटल यूज़ करे हैं, तो हमारी इमेजेस वगैरह आपको दिखेंगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप सही से इमेज ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो, और वो भी SEO के बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में से है, अगर आपको SEO पे बेहतर रैंकिंग लेकर आनी है। सिक्स पॉइंट है दोस्तों, लिंकिंग इन वेबसाइट, जो कि दो तरीके से होती है, एक इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग। एक्सटर्नल लिंकिंग को आउटबाउंड लिंक्स भी बोला जाता है। तो इंटरनल लिंकिंग और आउटबाउंड लिंकिंग और इस तरीके की जो भी मैं आपको इसके अंदर फैक्टर्स बता रहा हूँ, चीज़ें इन सीरीज़ में बता रहा हूँ, इन सब के ऊपर डिटेल वीडियोस भी हमारे इस सीरीज़ के अंदर हैं। वहाँ से आप प्रॉपर हमारे चैनल से एक एक चीज़ प्रैक्टिकली करना भी सीख सकते हो, उनके कॉन्सेप्ट भी सीख सकते हो। तो इंटरनल लिंक्स वो हैं जो आपकी वेबसाइट के अंदर आपके खुद के पेजेस हैं या ब्लॉग्स हैं, जो एक दूसरे के संग इंटरलिंक हैं। वहाँ पर यूज़र को इजी रहता है कि वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे लिंक्स के थ्रू पेजेस के अंदर जो है वहाँ पर आप उनको पहुँचा रहे हो, तो आपका वेबसाइट का टाइम बढ़ता है, जो यूज़र है वहाँ पर रुक रहा है, बाउंस रेट कम होता है, पेज व्यू बढ़ते हैं। आउटबाउंड में आप जो बाहर किसी वेबसाइट को, थर्ड पार्टी को, या आप लिंक दे रहे हो, बट वो ट्रस्ट वर्दी लिंक आप दे रहे हो, वहाँ पर उनको और बेहतर इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो उस वेबसाइट के संग भी आपके रिलेशंस बेटर होते हैं और आपकी वेबसाइट का भी ट्रस्ट बढ़ता है, क्योंकि आप उसको कहीं सही जगह, उसकी डेस्टिनेशन जहाँ उसको यूज़फुल कॉन्टेंट मिल सकता है, वहाँ आप उसको रिडायरेक्ट कर रहे हो। तो ये फैक्टर्स हैं ऑन पेज के दोस्तों। थर्ड है दोस्तों ऑफ पेज फैक्टर्स। तो ऑफ पेज में कौन कौन से फैक्टर्स हैं मेजर, वो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो इसके अंदर जो पहला फैक्टर है दोस्तों, वो है डोमेन अथॉरिटी ऑफ लिंकिंग वेबसाइट्स। इसका मतलब है दोस्तों, जब हम कोई भी ऑफ पेज एक्टिविटी करते हैं, तो उसका जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि हम किसी भी अच्छी अथॉरिटी की वेबसाइट से, किसी भी पॉपुलर वेबसाइट के संग, ठीक है, हम अपनी वेबसाइट का जब लिंक कनेक्ट करते हैं, बैक लिंक क्रिएट करते हैं, तो उसकी डोमेन अथॉरिटी क्या है, उसका स्पैम स्कोर कम होना चाहिए, ठीक है, उसका पेज रैंक बेहतर होना चाहिए। तो पेज की, उसकी अथॉरिटी, उसके डोमेन की अथॉरिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है जब आप बैक लिंक क्रिएट करते हैं अपनी वेबसाइट का दूसरी वेबसाइट के संग। सेकंड है दोस्तों रेलिवेंसी। जब कभी भी हम बैकलिंकिंग करते हैं या लिंक बिल्डिंग करते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा नेचर ऑफ बिजनेस है, प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड ही हम बैकलिंक्स, वेबसाइट्स हों, तो उन पे वो जो हम रेलिवेंट कंटेंट या पेजेस के संग या वेबसाइट के संग ही हम लिंक बिल्ड करें, ना कि कोई भी इररेलीवेंट पेज या वेबसाइट के संग हम करें। उससे क्या होता है, हमारी रैंकिंग को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और हमारे जो SEO स्कोर है वो भी हमारा गिरता है। थर्ड है दोस्तों डू फॉलो एंड नो फॉलो। जब हम लिंक बिल्डिंग करते हैं, तो उसमें डू फॉलो लिंक क्रिएट होते हैं और नो फॉलो लिंक क्रिएट होते हैं, तो उसका भी एक रेशो होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोशिश करनी है आज की डेट में कि डू फॉलो आपको बैकलिंक से लिंक्स क्रिएट करने हैं, एज़ कम्पेयर टू नो फॉलो बहुत कम होने चाहिए। बिकॉज ऐसा होता नहीं है दोस्तों कि सारे डू फॉलो हों, नो फॉलो भी होते हैं, बट जो रेशो है वो डू फॉलो को ज़्यादा होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों डोमेन अथॉरिटी, स्पैम स्कोर, पेज अथॉरिटी,
आपको अपनी वेबसाइट के अपने डोमेन की रेगुलर बेसिस पे चेक करनी है और उसमें इम्प्रूवमेंट देखनी है। इसमें आपको ये देखना है कि आपकी डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी इंक्रीज हो रही हैं आपके काम करने के बाद, तो इस पर आप एक रेगुलर चेक रखो। हर 15 दिन में आप उसको एक बार चेक ज़रूर करें। और स्पैम स्कोर तो कहीं आपका इंक्रीज नहीं हो रहा है, उस पर भी आपको ध्यान रखना है। बिकॉज अगर डोमेन अथॉरिटी आपको बढ़ानी है, रैंकिंग फैक्टर आपको बढ़ाने हैं और आपको ट्रैफिक लाना है, तो आपको स्पैम स्कोर कम करना है, ठीक है? तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों कि आपको देखना है कि नंबर ऑफ रेफरिंग डोमेन्स एंड पेजेस जो कि आपकी वेबसाइट को लिंक करते हैं, उस पर आपको रेगुलर काउंट और चेक रखना है, ताकि आप अपने जो लिंक बिल्डिंग है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें और उसकी क्वांटिटी को भी साथ के साथ बढ़ाएं। सिक्स पॉइंट है दोस्तों नंबर ऑफ सोशल शेयरिंग। तो सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट के संग जो आप अपने नेटवर्क बढ़ा रहे हैं, लिंक क्रिएट कर रहे हैं, उसको भी आपको इंक्रीज करना है। बिकॉज आज की डेट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया शेयरिंग, नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये बहुत मेजर फैक्टर्स हमने आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत वैल्यूएबल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और ये आपको आपके SEO के इस पूरी जर्नी में जो आप हमारे संग सीरीज कर रहे हैं, सीख रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर आप हमें बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।